नबील जानू प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। एक किलो भिंडी ला कर दो। What? यहाँ मैं लाखों करोड़ों का हिसाब कर रहा हूँ, तुम्हें भिंडियों की पड़ी हुई। कौन सा लाखों करोड़ों का हिसाब नबील? अरे पापा जी की लाखों करोड़ों की जायदाद का भाई, एक एक पाई का हिसाब लगा रहा हूँ कि मेरा हिस्सा कितना बनता है। तुम्हारा कुछ नहीं बनता नबील। अरे इकलौता बाजू मैं उनका, उनके बाद सभी कुछ मैंने तो संभालना है। अच्छा फिलहाल जरा भिंडी ले आओ, जाओ। यार नहीं लानी मुझे भिंडियाँ यार, भिंडियाँ यार, हफ्ते में चार दिन तो मुझे भिंडियाँ खिलाती हो यार। इतने बड़े होने वाले एम्पायर का मैं इकलौता वारिस हूँ यार, भिंडियाँ खा खा के मुझे गैस हो गई है, गैस। शट अप नबील, जाकर सब्जी लेकर आओ वरना खाना नहीं पकेगा। एक तो तुम जो दबकियों पर उतर आती हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। ला रहा हूं भिंडी, ला के दो यार। मुस्तकीम साहब वो एक बात पूछी थी, आपने जवाब ही नहीं दिया। अर्ज तो किया था आपने। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लो भी महबूब साहब आज तो मजा आ गया। मैंने खूबसूरत को ऐसी खरी खरी सुनाई है, पूछे मत। अरे मैं कब पूछ रहा हूँ भाई, महमूद साहब तो पूछे ना यार। अच्छा भाई बता दो क्या सुनाई तुमने। अरे महमूद साहब खरी खरी सुना दी मैंने, मुझसे हिसाब मांग रही थी। हाँ। मैंने कहा ये 100, 200, 250 का हिसाब ना मांगा मुझसे। हाँ। हिसाब मांगना है तो करोड़ों का मांगो। हाँ। करोड़ों का। अरे तुम ये छोड़ो नबील, तुम जानते नहीं हो मैंने आज मोमो को कैसा सीधा किया। अरे दुबक कर बैठ गई। हाँ भाई, अरे मुझे सुबह सुबह उठा दिया, और तुम्हें तो पता ही है कोई मुझे 2 बजे से पहले उठा दे तो मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती यार। ओहो फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, जब तक उसने मुझसे हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगी, अरे मैं नहीं माना। भाई हजरात, अब आप इतना कुछ बता रहे हैं तो हम भी आपके गोश गुजार किए देते हैं अपना वाक्या कि आज जॉजी बेगम पर हम वो गजबनाक हुए कि बस आप सोच नहीं सकते। ओ बासी कर दे मुस्तकीम साहब, आप और गजबनाक। हाँ ये मुंह और मसूर की दाल। अरे भी हजरात पहले सुनिए तो, हुआ ये कि जॉजी बेगम ने हमारा खून जिगर से लिखा हुआ शायरी का दीवान उठा के कबाड़िए को दे दिया, और हम जी वो गजबनाक हुए कि रोती हुई हमारे पांव पड़ गई। यकीन तो नहीं आ रहा मुस्तकीम साहब, लेकिन चले वाह वाह वाह, वो तेरी वाह वाह वाह, वो तेरी वाह वाह वाह, वो तेरी वाह वाह वाह। ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? कौन रो रहा है भाई? कौन रो रहा है भाई? हमें लग रहा कि ये आवाज कहीं ऊपर से आ रही है। हाँ यार ऊपर से ही आ रही है ना भाई। ये कौन है ऊपर? है चलाओ चल कर देखते हैं। अबे अबे कौन है तू? जनाबे मोहतरम ये फरमाइए कि आप कौन हैं और हमारी छत पे क्या कर रहे हैं? मेरे गेटअप से अंदाजा नहीं हो रहा मैं जिन हूँ। तू जिन है? तूने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ। हमें रिएक्शन तो देने दे। महमूद साहब, मुस्तकीम साहब, 1, 2, 3 जिन। कर लिया कर लिया, अब मैं कुछ बोलूं? बोलो 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 बोलो। वाह उस्ताद, मुझे आप लोग अपनी शागिर्दी में ले ले तीनों। हाँ मैं जिन गाफिरून हूँ, मैं ऊपर से जा रहा था, तुम लोगों की बातें मेरे कान में पड़ी, तुम लोगों की बहादुरी और शजाअत की बातें सुनकर मुझे अपनी बेबसी याद आ गई, फिर मुझे रोना आ गया। यार क्या कमाल के लोग हो यार, क्या कमाल के यार। हाँ वो तो हम है, लेकिन तुम्हें हमारी कौन सी बात पसंद आई है? वही बात जो तुम लोग कर रहे थे यार, तुम लोगों की बीवियाँ तुम लोगों से इतना डरती है। तुम लोगों को मेरी दुख भरी दास्तान पता ही नहीं है। भाई क्या है आपकी दास्तान, हमें सुनाइए, अगर हमें पसंद आ गई तो उस पर एक नावल लिख डालेंगे। क्या बताओ, मेरी बीवी मेरे नाक में दम किए रहती है, बहुत खौफनाक है, मैं कोकाफ के जिनों का सरदार हूँ, उसने मेरी बीवी ने मुझे नौकर बना कर रखा हुआ है। कभी कहती है डायनासोर के अंडे ले आओ, बबर शेर की रान ले आओ, चीते के कबाब खाने की जिद करती है। मैं पागल हो चुका हूँ, पागल, मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो। ओ भाई जज्बाती ना हो, कंट्रोल कर, सांस तो ले, सबर कर। हाँ चलो ना नीचे चलते हैं, नीचे चलकर बात करते हैं, तुम ना हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी करना जैसे जिन वाले एपिसोड में होती है। भिंडियां मंगवाई थी नबील से, पिछले 2 घंटों से लॉन में बैठा है,
हो सकता है मेरा पुत्र भिंडियां उगा रहा हो लान में नसरीन। खूबसूरत, हाँ हाँ बड़ी खूबसूरत खूबसूरत भिंडियां उगाएगा मेरा पुत्र। और ये मुस्तकीम घर के सारे काम काज छोड़ के लान में बैठे हैं नबील के साथ। हो सकता है वो भिंडी के पौधों को पानी डाल रहा हो। अच्छा और महमूद साहब क्या कर रहे हैं बाहर? वो तो मेरा दुपट्टा रंगाने गए। जी नहीं, वो भी लान में ही बैठे हुए। बड़े काम चोर होते जा रहे हैं इशफाक तुम लोगों के शोहरों को देख देख कर। आने दो, आज मैं उनका वो तोड़ दूंगी। वो क्या? दिल? दिल नहीं, वो जो खौफनाक लगता है बहुत। मुंह? हाँ हाँ मुंह मुंह। आन दे मुस्तकीम को, आज मैंने भी ना उनकी लत ही पड़ देनी है। तो फिर बचेगा क्या मुस्तकीम? हाँ भाई, सबसे पहले मेरी ख्वाहिश पूरी कर। तुम्हारी क्यों भाई, मैं बाप हूँ, पहले ख्वाहिश मेरी पूरी होगी। जी नहीं, मालिक मकान हम हैं, पहला नंबर हमारा होना चाहिए। आप तीनों की ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगा, मगर इससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त भाई? बस आप लोग मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें और मुझे गुर सिखाए। गुर? गुर 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 कौन सा गुर भाई? वही गुर जिसकी बदौलत आपने अपनी अपनी बेगमात को काबू किया हुआ है। मैं भी चाहता हूँ मेरी बीवी पर मेरा ऐसा रोब जैसा आप लोगों का आप लोगों की बीवियों पर है। बस कोई मसला ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये वाली चीज जो है ना महमूद साहब तुम्हें यूं 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 सिखा देंगे। अरे मैं क्यों भाई, तुम सिखाओ ना। तो मैं सिखा तो देता महमूद साहब, लेकिन मेरा जाती ये ख्याल है कि जिन बाबू तुम्हें वो सिखाए जिसकी सबसे ज्यादा दहशत है अपनी बीवी पर। क्यों मुस्तकीम साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये फरमाइए कि वो शख्स है कौन? अरे आप और कौन? हम लेकिन नबील मियां हम कैसे सिखाएंगे इसको? मैं खुद सीख लूंगा, आप सबको देखकर सीख लूंगा। बस एक दफा आप सबकी दहशत देखना चाहता हूँ। अरे भाई तू साथ चलेगा तो हमारी बेगमा तो तुम्हें देख लेंगी ना। नहीं नहीं वो मुझे नहीं देख पाएंगी, मैं उनके सामने गायब रहूंगा। कैसे? ऐसे। अरे महमूद साहब हमने इसे कह तो दिया, अपनी बीवियों को डराएंगे कैसे? बहू यूं डराएंगे ना। अरे महमूद साहब देख लीजिए कहीं खामखा बेइज्जती ना हो जाए। अरे भाई मैं यही हूँ, क्या बातें हो रही हैं, जरा ऊंचा बोलो। कुछ नहीं मोहतरम, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे थे कि हम अपनी बेगमात पर हल्का हाथ रखेंगे, कहीं उन पर जुल्म होता हुआ देख कर आप घबरा ना जाए। यही गुर तो सीखना है मुर्शिद। ये जो तुमने सीखना है वो गुर है। हाँ जी। आओ जी मेरे। चलो 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 आइए प्लीज, आराम से टकरा ना जाए उससे। यार खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला अगर हमारा दिमाग खराब हो गया तो सख्त से सख्त सजा देंगे। क्या हो गया मुस्तकीम? मुस्तकीम? मुस्तकीम ही कह दिया हमें एक ही सांस में। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? अगर हमें ज्यादा गुस्सा आ गया तो खड़े खड़े निकाल देंगे। कहाँ से? इस घर से, इस दिल से और इस दुनिया से भी। हमारे सामने अगर ज्यादा जबान चलाई तो कुत्ती से जबान खींच लेंगे। आंखें नीचे वरना हम आंखें बाहर निकाल देंगे। क्या कहा है? कार से निकालेगा तू? जोजी बेगम को कार से निकालेगा, आंखें निकालेगा है, जबान खींच के गुद्दी से निकालेगा। अरे जोजी बेगम, इस राहत तफन्नुन एक छोटा सा नन्ना सा मजाक किया था उसे। आप समझती नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर कम है आपकी। वो उधर कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाई। ना आखिरी बारी हाथ हिला ले अपने, बचड़े नहीं हूं क्योंकि मैं इधर इधर इधर। नबील तुम किधर थे? मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार डांटा है कि मुझसे फजूल सवाल मत किया करो। तुमने मुझे कब डांटा? यही तो, सबके सामने तुम्हें मेरी डांट ही नहीं लगती और बाद में रो रो के हाथ जोड़ के मुझसे माफिया मांगती हो। हाथ जोड़कर माफिया? मैं? खूबसूरत कान खोल के सुन लो, इस बार मैं तुम्हारी गलती माफ नहीं करूंगा। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम नबील? और तुमसे तो मैंने भिंडियां मंगवाई थी, कहाँ है? खामोश, सहन लगती है मुझे ये भिंडियां, बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह। उनसे कहो बजट बढ़ाए, अब इस घर में सिर्फ मटन बढ़ेगा, मटन वो भी रोस्ट टाइप। और मोमो तुम ये क्या सारा दिन बैठकर ड्रामे देखती रहती हो? मैं तो जी सास दुलारी और बहू बेचारी ड्रामा देखती हूँ बस। हाँ यही ड्रामे देख देख के ना तुम मेरा सर खाती हो, आज से ये सास बहू के ड्रामे बंद। नहीं मसाऊद नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। ये मैं बताती हूँ भी, ये और अगर ज्यादा बदतमीजी मेरे साथ की ना तो मैं आपके बड़े से मुंह पे बड़ी सी इंट मार दूंगी। सुन तो नहीं रहे? और नबील तुम, अगर तुमने आइंदा मुझसे इस तरीके से बात की ना तो तुम्हें घर से निकाल दूंगी, भूलना मत
ये घर पापा चलाते हैं मेरे, भिंडियाँ लेकर आओ। जानू जाता हूँ यार, जाता हूँ, क्या हो गया? जाने से पहले अपनी बदतमीजी की माफी मांगो। जानू माफी रहने दो ना यार, वो क्या सोचेगा? कौन क्या सोचेगा नबील, चलो माफी मांगो वरना 3 दिन के लिए खाना बंद। और आप भी मुझसे वो मांगे मसाऊद। वो क्या मोमो? वही जो जमील अपनी बीवी से मांग रहा है। अरे ये तो हर वक्त अपने ससुर की जायदाद मांगता है मोमो। फिलहाल तो मैं माफी मांग रहा हूँ जानू, प्लीज मुझे माफ कर दो। बड़ी बेइज्जती हुई जोजी बेगम ने डंडों से, वो धुनाई की हमारी, वो धुनाई की क्या बताएं। अरे मुस्तकीम साहब, हम भी माफी मांग कर आ रहे हैं अपनी बीवियों से यार। यार नबील, अरे उस जिन के सामने सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अबे तुम लोग तो बहुत ही झूठे हो यार। अबे पिछले सीन में इतने लंबे लंबे कसीदे गा रहे थे अपनी दहशत के, तुम लोगों का तो मुझसे भी बुरा हाल है और मैं तुम लोगों की शागिर्दी ले रहा था। क्या करें जिन भाई, आपने तो देख लिया हमारी बीवियां जिननियों से कम नहीं है। जनाबे मोहतरम, हमारे वाली तो चुड़ैल है चुड़ैल। जिन जी, हम तो आपकी मदद नहीं कर सके लेकिन आप तो हमारी मदद कर सकते हैं ना। अपनी अपनी प्लेस पे जाओ, चलो मुझे ज्यादा इमोशनल मत करो। तुम लोगों की बेबसी देखकर मुझे अपना वक्त याद आ गया, कैसे मेरी बीवी मुझे खोखाप की पहाड़ियों पे दौड़ा दौड़ा के मारती थी। मेरा बड़ा दिल करता है कि उसे ऐसा सबक सिखाऊं कि वह हमेशा याद रखे। हाँ ना, सिखाए ना। मैं तो कहता हूँ सारे सबक हमारी बीवियों को सिखाए। हाँ, आपको ना गरीब मस्कीन शौहरों की दुआएं मिलेंगी। हाँ जी जी जनाबे मोहतरम, हो सकता है हमारी बीवियों को सबक सिखाने के बाद आप में वो हिम्मत आ जाए कि फिर कोकाफ जाके आप अपनी जोजा मोहतरमा के साथ भी यही सलूक करें। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तुम लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। अरे हजरात, ये तो गायब हो गया, कहीं वापस तो नहीं चला गया कोकाफ? मैं यहीं पर हूँ, चलो अंदर आओ, चलो 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 साथ ही आ जाओ। सवेर का कमी लाया मुस्तकीम नो है। मुस्तकीम एडी छेती आ गए, लांच का कटी भी है कि नहीं? खास नहीं, अब गला कटेगा और वो भी तुम्हारा। हुशे शमीम भाई तो काफी ओवर हो रहे हैं आज को जी बाजी। मेरे मुस्तकीम को देखिए, ऐसी तबीयत साफ की है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। तबीयत तो तुम्हारी अब मैं साफ करूंगा मामा। महमूद साहब हौलात रखना, माजी है मेरी। भाई रोक तो सिर्फ मेरा मेरे हस्बैंड पे चलता है, देखा कैसे सुधर गया एक ही डांट में नबील। खूबसूरत, सुधरोगी तो अब तुम, क्योंकि अब जो तुम लोगों को सुधारने आ रहा है ना, तुम लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। मामा तुम्हारी भी। जोजी बेगम तुम्हारी भी। ऐसा कौन आ रहा है जिसके आने से हमारी बोलती बंद हो जाएगी? मैं हूँ जिन। जिन गाफरून, कोकाफ के कबीले का सरदार। मेरे गुलाम है बेशुमार और बीवी है सिर्फ एक। ये किस लिए आया है यहाँ? ये हमारा बदला लेने आया है। अरे दोस्त है, जिगर है, जानी है। हाँ, 200 साल उम्र है इसकी, मुस्तकीम साहब का क्लास फेलो है। और इन्हें नाफरमान बीवियों से सख्त नफरत है। 350 बीवियां उल्टी लटका चुके हैं दरख्त के साथ, क्योंकि वो नाफरमान थी तुम लोगों की तरह। हाँ जी, हम लोगों ने क्या नाफरमानी की है, हम तो बहुत अच्छी बीवियां हैं। और क्या, मैं तो अपने नाज की बहुत इज्जत करती हूँ। सरताज वही। तुम तीनों कितनी मक्कार औरतें हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुमने मेरे तीनों ब्रदर को कैसा बेइज्जत किया। तुम लोग मुझसे नहीं बच सकती, नहीं बच सकती। अबे यार तीनों अंदर भाग गए यार। ओ भाई जिन, तू है या मैं, उन्हें ऐसे डरा कि उनकी चूने निकले हमारे सामने। मुझे डर लग रहा है। अरे यार ये तो हमारी बीवियों से भी डर रहा है। अरे जिन मियां, हमारी बीवियां जो है वो इंसान है, उनसे डरने की आपको क्या जरूरत है। हाँ, ये बीवियां मखलूक ही ऐसी है। अच्छा भला जिन घबरा जाए, तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं अंदर जाकर उन्हें अच्छी तरह डराऊंगा। अब ये डरा ले। अब ये जिन कहां से आ गया है इन मियाओं के पास?
चल अंजुमन जल्दी से अपने पापे से कह के ना तो इससे भी बड़ा जिन मंगवा ले। माँ जी मेरे पापा कहाँ से जिन भिजवाएंगे, वो बिजनेसमैन है, जिनों के सरदार नहीं है। हाँ लगता तो जिन जैसे ही है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। खोरे ये जिन अब करेगा क्या? प्यारे जिन भाई आप हमारे पीछे क्यों बह गए? हम तो ईमान से बड़ी कोई मासूम और शरीफ जनानी है। हाँ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, अगर तुम लोगों ने अपने शौहरों की नाफरमानी की तो तुम तीनों को मैं उल्टा लटका दूंगा। वहाँ कोकाफ में हुकूक के मर्दा की कमेटी का चेयरमैन हूँ मैं, किसी मर्द पे जुल्म होते नहीं देख सकता। ऐसा क्या जुल्म कर दिया हमने? आपको नहीं पता वो तीनों कैसे हैं? वो तो बड़े मासूम और मजलूम है बेचारे, बिल्कुल मेरी तरह। बड़े मासूम मजलूम एक नंबर के झूठे हैं तीनों। उन तीनों ने भड़काया ना आपको? आप मेरे भरा हैं, प्यारे से सोने से चिट्टे चन वर्गे। मैं तो कहती हूँ आप उन तीनों को लटका दें उसे दरख्त पे। बस करो, तुम तीनों बहुत तेज औरतें हो, मत भड़काओ मेरे मजलूम भाइयों के खिलाफ। तुम लोगों के पास 2 घंटे का टाइम है और 2 घंटे में तुमने अपने शौहरों के दिल जीतने, उनकी खिदमत करनी है। और इन 2 घंटों में अगर उन्होंने कह दिया कि वो लोग तुमसे खुश हैं तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना 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 क्या है? वरना तुम तीनों की लाशें बाहर दरख्त पर लटकी भी होंगी। चलो चलो छेती छेती चलो, अपने अपने मियां नूं मनाइए चल के। चलो चलो साडी जिंदगी ते गई, चल चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। और बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। नबील अब तो तुम खुश हो ना मुझसे? मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। उस जिन भाई को कह दो ना कि तुम मुझसे खुश हो। नबील मैं खूबसूरत, मैं झूठ नहीं बोल सकता, तुम्हें पता है मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अच्छा तो बताओ ना तुम कैसे खुश होगे मुझसे, तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊं? नो। अच्छा कुछ खाने को दिल कर रहा है तुम्हारा? नो। अच्छा मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेकर चलती हूं। मैंने शॉपिंग पे नहीं जाना। तो बता दो ना नबील कैसे खुश होगे तुम? ठीक है फिर तुम एक काम करो, अपने पापा से मेरा हिस्सा मांगो। कम से कम उसमें 2 फैक्ट्रियां चाहिए मुझे, एक तौलिया की दूसरी केमिकल की। नबील पापा कभी नहीं मानेंगे। नो प्रॉब्लम, ठीक है फिर तुम तैयार हो जाओ। किस लिए? दरख्त पर उल्टा लटकने के लिए। नबील शराब, देखिए मैं कितनी बदल गई हूँ। क्या बदली हो? वैसी की वैसी हो। क्यों? पहले मैं कैसी छोटी छोटी बातों पे आपको वो कर देती थी। वो क्या? और वही जो कोजी शमीम भाई को करती है। बेइज्जती? हाँ हाँ बिस्ती बिस्ती, पहले कितनी बेइज्जती करती थी तो अब कितना वो करती हूँ। अरे क्या वो लगा रखी है, जाओ जाकर मेरे लिए आलू के पराठे लेकर आओ। हाँ जी सरताज, मैं अभी अभी पराठे बना के लाती हूँ, आलू के, गाजर के, गोभी के, शलगम के, सारे पराठे बना दूंगी। मगर पहले आप मेरा एक छोटा सा काम कर दें। तुम फिर मुझसे काम करने का कह रही हो? नहीं 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 सरताज, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप उस जिन को सच सच कह दें। क्या सच सच कह दूं भाई? यही कि नीलम कितनी फर्मा बरदार और खिदमत गुजार बीवी है। कौन नीलम? मैं अफ्तखार। अरे तुम नीलम नहीं मुमताज हो। हाँ तो मेरा कह देना। अच्छा अच्छा ठीक है सोचूंगा, जाओ जाकर जूस लेकर आओ। वही अभी तो पिया था सरताज। वो अनार का था, अब मौसमी का लेकर आओ। जी सरताज मैं बस अभी लेकर आई हूँ। जाओ फौरन जाओ।
मुस्तकीम साहब, मैं सोच रही थी आज क्यों ना आपसे आपकी गजलें सुन लूं। क्या? हाँ हाँ, काम शाम सारे फारग करके आई हूँ, आज ना आप सब कुछ सुना दे मुझे, मैं आराम से बैठ के सुनूंगी एक दो घंटा। एक शेर सुनाते हैं, जरा गौर से सुनिए। जाओ, हम नहीं सुनाते हैं, किसी और से सुनिए। आज हमारा शेर व शायरी का मूड नहीं है। क्यों? मैं तो ये रुई के फाये भी बना के लाई थी, आप सुना दें जो मर्जी सुनाना है। जोजी बेगम, आपको एक अजीम फनकार की कदर नहीं है? कदर तो है ना मुस्तकीम, देखे ना मैंने सारे काम कर लिए, पांडे तो दिए, झाड़ू दे दिया, सारा खाना शाना भी पका लिया, बस आप अब एक काम कर दे। क्या काम? बस उस जिन से जाके मेरी तरीफे कर दे, ताकि मुझे मार के उस दरख्त पे ना लटकाए। भाई ये सब हम क्यों कहेंगे, अगर आप बाद में मुकर गई तो? ले दस, मैं क्यों मुकरूंगी भाई, अब तो मेरी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत करना है। आपके पैर जमीन पर नहीं लगने दूंगी, मैंने इतनी खिदमत करनी है आपकी। सच जोजी बेगम? हाँ जी। लेकिन हमें यकीन क्यों नहीं आ रहा? देखिए देखिए, आपको फिर गुस्सा आ रहा है, फिर गुस्सा आ रहा है। नहीं नहीं मुस्तकीम, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, मैं तो ऐसे ही अपने आप से कुछ वो खारिश हो रही है मुझे। अरे यार, तूने कमाल कर दिया है यार, आज तक किसी जिन ने बुलबुले में हमारी ख्वाहिश नहीं पूरी की, तूने कर दी और हिस्ट्री बना दी तूने, हिस्ट्री। तुम्हारी वजह से ना, अरे मेरी बीवी मेरी खिदमतें करनी शुरू हो गई है। भाई और तो और, हमारी जोजी बेगम जो किसी चुड़ैल से कम नहीं है, अब हमारे सामने जी जी करती है। जी जी। अबे तुम लोगों को देख कर तो मेरी हिम्मत बनी है, अब मैं कोकाब जाकर अपनी बीवी को सीधा कर दूंगा। वेरी गुड, जिन भाई, जिन भाई, आप तो, आपको यकीन आ गया ना कि हम कितनी प्यारी नेक फरमा बरदार बीवियां हैं। हाँ हाँ, लेकिन याद रहे, मेरे जाने के बाद तुमने इन तीनों के आगे चू नहीं करनी। भाई मैं तो कह रहा हूँ आप हर हफ्ते ना इंस्पेक्शन के लिए आ जाया करें। हाँ जिन भाई, हम तो कहते हैं कि अपना बसेरा यही कर लीजिए। ओ भाई, ये हो क्या रहा है? शकलानी बकलानी रंग बमरानी आ गई। अब ये कौन बला है? बला तो है मगर है मेरी बीवी। दस दिन हो गए मैं वहाँ कोकाफ में तुम्हारे सारे कबीले और 312 बच्चों की देखभाल करते करते परेशान हो गई हूँ, और तुम यहाँ पर बुलबुले बना रहे हो। बेगम मैं पना मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। माफ? 300 आग के कोड़े लगेंगे, चलो तो जरा तुम कोकाफ। नहीं नहीं नहीं, जोजी बेगम ये फरमाइए कि रात के खाने में क्या तनावुल करेंगी आप? मोमो, तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दूं मैं? जानो, पाँव यहीं दबाऊं या कमरे में जाके? नहीं नबील, अब मैंने तुमसे पाँव नहीं दबवाने, अब मैं गला दबाऊंगी। नहीं जानो। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते